हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय करंट ऑब्सेशन, द प्रोडक्ट्स दैट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट दिस लोरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। This is what the serum looks like. This is the L'Oreal Extraordinary Oil Serum. I love this serum so much. It just make my hair so silky shine. The second one. So the second one is this. This is actually a makeup pouch. I bought it from Miso actually, and I love this so much. मतलब अगर आप travel कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, you must carry this. This is such a beautiful makeup pouch. This is the inside. What the inside look like? मतलब इसमें सब कुछ, you can carry everything inside this pouch. मतलब सब कुछ carry कर लेता है. Starting from the, you know, starting from sunscreen to toner to the blender. Compact powder, different type of lipsticks, my all lipsticks are here. The next product is a game changing product for your hair fall. If you are facing hair fall, then absolutely try it. This is the Body Wise Hair Growth this Serum. This is the best hair growth serum roll-on I have ever received in my life, because this is a game changing product. This is completely magic in a bottle, and absolutely maine isko khatam bhi kar chuki hu. This is so good. Bahut sari cheez hai. 3% rosemary hai, 3% redensil hai, 2% amenexil hai, 2% anagen hai, and actually it just helps in, you know, ये बहुत अच्छा है. इट जस्ट प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ, एंड बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स आने लगे इसको यूज़ करने के बाद. दिस इज़ दैट गुड. बाद अगर मुझे कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगी, सो दिस इज़ द आल्स गुडनेस. और ये ख़त्म हो चुका है ये बॉटल. दिस इज़ द वेरी गुड स्प्रे, एंड ये रोजमेरी वाटर है फ्रॉम आल्स गुडनेस. आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा. दिस इज़ सो गुड एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं इसको रिपर्चेस करने वाली हूँ. ये एकदम एम्प्टी बॉटल है, एंड आई विल डेफिनेटली रिस्टॉक इट वेरी 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 सून. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टोट बैग. Look at the bag. This is so good. I have ordered it from Amazon, and इसके material बहुत ज़्यादा अच्छा है. This is white in color, पर इसमें ना दाग लगने की chances ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही एक material से बना है ना कि ये white है, फिर भी मतलब इसमें कोई भी दाग लगने की चांस ही नहीं है. दिस इज़ अ टोट बैग फ्रॉम अमेजन, एंड आई लव्ड इट सो मच. और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है. यू कैन सी इसमें एक मतलब चेन नहीं आता है, और ऐसा टिप टॉप सा आता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है. इट इज़ सो स्पेसियस, एंड इसमें आप कुछ भी लेकर ट्रैवल कर सकते हो. दिस इज़ सो गुड एंड आई लव इट सो मच. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इसके बाहर का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसमें दाग लगने की चांस नहीं है, लेकिन अंदर का मटेरियल जो है ना, वो एकदम कपड़े वाला मटेरियल है. सो ये मटेरियल में ना दाग लग सकता है. सो बी केयर. कमिंग टू माई फेवरेट फेस वॉश ऑफ ऑल टाइम, दिस इज द मामा अर्थ राइस वाटर फेस वॉश. आई लव दिस फेस वॉश सो मच. इट जस्ट क्लीन योर फेस, सो स्क्विकी क्लीन, एंड ये बहुत अच्छे से ना डर्ट पॉल्यूशन मतलब सब कुछ निकाल देता है. इट जस्ट वेरी ईजी, इट जस्ट वेरी गुड, इट जस्ट मेक योर फेस वेरी स्क्विकी क्लीन, बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है. इज माई फेवरेट शैम्पू. दिस इज माई कर्ल्ड फेवरेट शैम्पू. आई एम यूजिंग इट नाउ इट इज. दिस इज द लव ब्यूटी प्लानेट Sometimes ना इट जस्ट ड्राई आउट योर स्कैल्प, ड्राई आउट योर हेयर. मेक श्योर टू यूज़ अ वेरी मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर एलोंग विथ दिस पर्टिकुलर शैम्पू. इसका जो मास्क आता है ना, वो भी बहुत अच्छा है. मैंने उसको ऑर्डर कर चुकी हूँ. और कमिंग टू द नेक्स्ट फेवरेट, विच इज़ दिस सनस्क्रीन. दिस इज़ फ्रॉम द डॉट एन की 50+ SPF. आई लव इट सो मच. मतलब मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि और कुछ भी
मतलब सनस्क्रीन ले लूँ, लेकिन इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इट इज़ सो हाइड्रेटिंग एंड चिपचिप, बिल्कुल फील नहीं होता है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देता है। डॉट एंड की सारी सनस्क्रीन इज़ माई फेवरेट, आई लाइक इट पर्सनली सो मच। Is what it looks like, Dot & Key Watermelon Cooling Sunscreen. I like it so much. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है. So coming to my next current favorite is this Lakme 925. इसका packaging change हो चुका है, लेकिन इसका जो पहले वाला का version था that was so nice. और ये भी बहुत अच्छा है. थोड़ा सा मुझे सेड का डिफरेंस लगता है 19-20 का, बस 19-20 का फ़र्क है, लेकिन दिस ओ सो गुड. मतलब ये इतनी अच्छे से मेल्ट डाउन हो जाता है, इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना. आई जस्ट लव दिस शेड सो मच. आई लव दिस फाउंडेशन, लिटरली द गेम चेंजर फाउंडेशन. मतलब ये इतना हाई कवरेज नहीं है, थोड़ा सा डूई फिनिश देता है, बट आई लाइक इट सो मच. आई हैव अनादर फाउंडेशन रिकमेंडेशन. ये थोड़ा सा कम में आता है, मतलब ये थोड़ी सी कम प्राइस है, इसका 399 प्राइस है, लेकिन मेरे पास और एक है, इसका प्राइस है 899. थोड़ा सा ये फुल कवरेज देता है, ये थोड़ी सी डूई फिनिश देता है और ये थोड़ी सी फुल कवरेज देता है. इसको नॉर्मली ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए आप इसको प्रीफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एकदम ना ब्राइडल फिनिश देता है, एकदम मतलब हाई कवरेज देता है. मतलब लगता है कि हाँ फाउंडेशन लगाया हुआ है. ये डार्क स्पॉट, एक्ने मार्क्स सब कुछ छुपा देता है वेरी इजीली, एंड आई लव इट सो मच. लेकिन इसको थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, एवरीथिंग, ये रोज़ एवरीडे यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है. प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड मेस, बिकॉज ब्यूटी ऑफ द वीडियो इज हियर. सो इग्नोर द बैकग्राउंड ऑफ माइंड. सो बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, मैं कभी भी मतलब इन सब को सही नहीं करती हूँ, लेकिन आई थिंक कर लेनी चाहिए. लेकिन हॉस्टल में हूँ, आई डोंट लाइक टू क्लीन. मतलब हॉस्टल में होता ही ऐसा है, मतलब मैं क्लीन कर भी दूंगी, लेकिन बाद में फिर से ये गंदा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली. सो लेट इट बी, लेट इट बी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई एम currently obsessed with it, this is the L'Oreal Extraordinary Conditioner. This conditioner now is so freaking good, because ये ना इतना अच्छा texture है इसका ना, कि it's just melt down. मतलब इतनी अच्छे से आपकी hair को conditioning करता है कि मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा can you see, मतलब बहुत ज़्यादा you know रुखी सूखी dry, और ये बहुत ज़्यादा curly hair है, बट ये इतनी अच्छे से मैनेज कर देता है ना, आई लव दिस. अब इतना ज़्यादा निकाल चुकी हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट आई लव द कंडीशनर सो मच. दिस इज़ सो हाइड्रेटिंग एंड मेक योर हेयर सो स्मूथ एंड सो सिल्की. Try it, please. So that is it for today's video. See you next time in my next vlog coming soon. So these are some kind of products that I am currently obsessed with. I love all of these and you must give it a try. That's it for today's video. See you next time in my next vlog. Till then, bye-bye.